क्या यही है एक एआई इन्फ्लुएंसर जो एक नूब ने 5 दिन मेहनत करके बना दिया, लेकिन एक चीज जरूर खर्च हुई, नींद, इंटरनेट और पीसी स्टोरेज की कुर्बानी। लेकिन क्या ये एआई इन्फ्लुएंसर वर्थ इट है जब आपके पास वो सिस्टम ही ना हो? लेकिन फिर भी हमने कोशिश की कि मार्केट में एक ऐसा इन्फ्लुएंसर हो जो फूड ब्लॉगर ना हो और जो इनसे कम्पीट कर सके। ये वही मोहतरमा है जो 9 लाख रुपए हर महीने कमा रही है, और मजे की बात ये है इनकी 2 बहनें भी है, कायरा और ये आंटी, दोनों 9 लाख के ऊपर जा चुकी है। धीरे धीरे मुझे ये लगने लगा था मेरी सारी मेहनत बर्बाद होती जा रही है। इंसान था पहले बंदर, इंसान था पहले बंदर। सिंपली डिस्क्रिप्शन पे मैंने एक लिंक दिया होगा, उस पर क्लिक करेंगे तो आप मेटा ह्यूमन की वेबसाइट पे पहुंच जाएंगे जहां पर हम मेटा ह्यूमन को बनाएंगे। तो आप इस तरीके के डैशबोर्ड पे जब पहुंचेंगे तो मेटा ह्यूमन का वर्जन आपको सिलेक्ट करना है, हम लेटेस्ट पे रहने देंगे और लॉन्च मेटा ह्यूमन क्रिएटर पे क्लिक कर देंगे। इस तरीके के डैशबोर्ड पे जब हम पहुंचेंगे तो क्रिएट के ऑप्शन पे आपको बहुत से मेटा ह्यूमंस के प्री टेम्पलेट्स देखने को मिलेंगे। आप इनमें से कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन ये जो वार्निंग का साइन है जहां पर ये लिखा होता है कि ये मेटा ह्यूमन अभी भी डेवलपमेंट फेज में है, तो आप उसको अगर ना चुनो तो बेहतर है। इसके अलावा आपको बहुत से मेटा ह्यूमन मिलेंगे, मैं ये वाला मेटा ह्यूमन को सिलेक्ट करता हूं, क्रिएट सिलेक्टेड बटन पे क्लिक करेंगे। इस तरीके का हमारा डैशबोर्ड खुल जाएगा। यहां पर आपको कई ऑप्शंस देखने को मिलेंगे, फेस, हेयर, बॉडी, स्टूडियो, ऑटो, मीडियम, LOD यानी कि लेवल ऑफ डिटेल्स, जिसके बारे में हम बात करेंगे। ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। यहाँ पर कई इमोशंस भी दे रखे हैं जिनसे आप देख सकते हैं कि मेटा ह्यूमन कैसे काम कर रहा है। ऊपर टॉप लेफ्ट कॉर्नर पे आएंगे तो आपको यहाँ पर 3 ऑप्शंस देखने को मिलेंगे, ब्लेंड, स्कल्प्ट और मूव। अब हम ब्लेंड के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और ब्लेंड का ऑप्शन ये कि आपको कहता है कि मेटा ह्यूमन किसकी तरह दिखना चाहिए। एग्जाम्पल के तौर पे हम ब्लेंड पे क्लिक करेंगे और कोई भी 3 और मेटा ह्यूमंस को हम इस पे सिलेक्ट करके उस जैसा मेटा ह्यूमन बना सकते हैं। अब जैसे मैं यहाँ पर इस वाले मेटा ह्यूमन को सिलेक्ट करके ड्रैग एंड ड्रॉप करूंगा इस वाले फ्रेम में, वैसे ही दूसरा मेटा ह्यूमन और तीसरा मेटा ह्यूमन। अब आप इसके फेस पे देखेंगे कि बहुत से डॉट्स नजर आ रहे हैं। अब आप इन डॉट्स को ड्रैग करके जो भी आपने मेटा ह्यूमंस उन तीनों फ्रेम्स में डाले हैं उनकी शक्ल ले सकता है। अगर मैं ड्रैग करके लेफ्ट हैंड साइड पे ले जाऊंगा तो जो मैंने लेफ्ट हैंड साइड पे मेटा ह्यूमन बनाया होगा उसके फेस से रिलेटेड वो प्रॉपर्टीज आपके मेटा ह्यूमन में जुड़ती चली जाएंगी। वैसे ही उस पॉइंट को अगर मैं टॉप पे ले जाऊंगा तो जो लेडी हमने सिलेक्ट करी है उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स भी आपके मेटा ह्यूमन में आएंगे। वैसे ही आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं कि आपको किस तरीके का मेटा ह्यूमन चाहिए। लेकिन एक मजेदार चीज अभी आगे बताता हूँ। फिलहाल आप टॉप लेफ्ट कॉर्नर पे जाएंगे तो आपको फेस के ऑप्शन पे ब्लेंड, उसके नीचे स्किन के ऑप्शन को सिलेक्ट करके आप स्किन एडजस्ट कर सकते हैं कि आपको कितनी ब्राइटनेस चाहिए, टेक्सचर चाहिए, कॉन्ट्रास्ट चाहिए, उस हिसाब से आप मेकअप भी डाल सकते हैं। वो आप अपने तरीके से देख लेना, वैसे ही आपको आंखें, दांतों और मेकअप में भी नजर आएगी, उसे भी आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं, अपने जैसा बना लो। उसके नीचे आपको बाकी की कैरेक्टरिस्टिक्स भी मिलेंगी, जैसे हेयर हो गया, आईब्रोज या दाढ़ी वाड़ी लानी है तो वो भी ले आओ, और बॉडी टाइप में आप किस तरीके का बॉडी टाइप चाहते हैं अपने मेटा ह्यूमन का वो भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं, और अपने कपड़े भी बदलवा सकते हैं। भाई हमारा तो एकदम कूल बंदा है तो हम तो यही लेंगे, जूते वूते भी बढ़िया पहना दिए हमने, खर्चा कर दिया। अब आप वापस यहाँ पर आएंगे और स्कल्प्ट के ऑप्शन पे जब क्लिक करेंगे तो यहाँ से चीजें जो है वो मजेदार होना चालू हो जाती है। स्कल्प्ट के ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद आपको फेस में बहुत बारीक सी लाइंस देखने को मिलेंगी, डॉट्स देखने को मिलेंगे और बहुत छोटे छोटी डिटेल्स भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं स्कल्प्ट करके, तो ये बहुत मददगार होता है कि आपको अपना मेटा ह्यूमन अपनी तरह आप दिखा सकते हैं। हाँ मैं मानता हूँ मेरा मेरी तरह नहीं दिख रहा, ठीक है। और तीसरा मूव के ऑप्शन पे जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ से आप जो बिगर कैरेक्टरिस्टिक्स है अपने मेटा ह्यूमन की, जैसे कि आईब्रोज, आईलैशेस, ईयर्स, माउथ और नोज, इन सब चीजों को आप स्कल्प्ट कर सकते हैं। अब आपको ऊपर की तरफ आएंगे तो 3 और ऑप्शंस देखने को मिलेंगे, स्टूडियो जहां पर आप लाइटिंग सेट कर सकते हैं अपने मेटा ह्यूमन की, जैसे कि मून लाइटिंग, टंगस्टन, पोर्ट्रेट या कोई भी स्टूडियो लाइट, और भी आपको ऑप्शंस मिल जाएंगे। इसके अलावा ऑटो के बटन पे आपको कैमरा एंगल्स देखने को मिलेंगे और मीडियम रेंडर क्वालिटी कैसी होनी चाहिए, आप इसको हाई पे भी सेट कर सकते हैं, और मेरा पीसी इतना झेल नहीं पाता इसलिए मैंने मीडियम पे रखा है। और बाकी लेवल ऑफ डिटेल्स बड़ा मजेदार खेल है, अगर हम जितनी डिटेल्स ज्यादा करेंगे उतना ये मेटा ह्यूमन कार्टून लगेगा, तो हम इसे 0 पे ही सेट कर लेते हैं। तो हम ऊपर की तरफ टॉप लेफ्ट कॉर्नर पे जाएंगे और अपना नाम जो है वो सिलेक्ट कर लेंगे मेटा ह्यूमन का, क्योंकि बाद में दिक्कत नहीं आनी चाहिए, तो हम नाम रख देते हैं बिजी बंदा। और नामकरण होने के बाद इसे आप क्लोज करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली सेव्ड हो चुका है। मेटा ह्यूमन क्रिएटर के डैशबोर्ड पे आएंगे तो माय मेटा ह्यूमंस पे ये ऑलरेडी सेव हो चुका है। तो
एक्सपोर्ट के ऑप्शन पे क्लिक करके आप इसकी एक फाइल डाउनलोड कर लेना आगे अगर कभी काम आई तो, क्योंकि मैं हूँ बिगनर नूब, मुझे नहीं पता इसका आगे क्या हो सकता है, लेकिन फिर भी डाउनलोड कर लेना। अब आप जाइए अनरियल इंजन की वेबसाइट की तरफ और प्रोडक्ट्स के ऑप्शन पे क्लिक करके अनरियल 5 इंजन के ऊपर जाना और हमारे अनरियल इंजन के लॉन्चर को डाउनलोड कर लेना, और डाउनलोड करने के बाद उस पे दो टैप करना और जो भी इंस्टॉलेशन प्रोसेस है उसे खत्म करना। याद रखना कि किसी भी थर्ड पार्टी हार्ड ड्राइव में आप इसे ना डाले, मैंने ट्राई करके देखा था कि यार पीसी पे ज्यादा दबाव ना डालूं, लेकिन फिर भी मुझे अपनी मेन ड्राइव यानी कि एसएसडी ड्राइव में ही आप इसको स्टोर कीजिए, तो आगे का काम जो है वो थोड़ा सीमलेस रहेगा। एक बार ये स्टेटस की हरी बत्ती खत्म हो जाए तो आपका लॉन्चर जो है वो डाउनलोड हो चुका है। ये एपिक गेम्स का लॉन्चर है, ये थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन खुद खुल जाएगा, और ये जब खुलेगा तो आपको साइन अप या लॉग इन कर लेना, बस इसमें लिख दिया सक्सेस और हमारा एपिक गेम्स का लॉन्चर जो है वो खुल जाएगा। और अनरियल इंजन के ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद हम जाएंगे लाइब्रेरी के ऑप्शन पे और आपको यहाँ पर इंजन वर्जन्स के आगे प्लस साइन देखने को मिल रहा है उस पे क्लिक करेंगे और वहां से आप अनरियल इंजन के वर्जन्स को डाउनलोड कर सकते हैं। हम लेटेस्ट वर्जन डाउनलोड करेंगे जिसकी कुल लंबाई 23 GB होगी, ठीक है। बस प्लस के ऑप्शन पे क्लिक करो, इंस्टॉल के ऑप्शन पे क्लिक करो और चाय खाना पानी जो तुम्हें लगे वो तुम करके आओ, क्योंकि ये अब टाइम लगाने वाला है। ये आपके इंटरनेट स्पीड पे भी डिपेंड करता है। आपका ये इंस्टॉलेशन तो चालू हो जाएगा लेकिन आप नीचे देखेंगे तो क्विक सिल ब्रिज भी आपका साथ में डाउनलोड होगा और ये एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट प्लगइन है जिसका हम इस्तेमाल करने वाले हैं, तो इसको भी डाउनलोड होने देना। पता चला जगह के चक्कर में आप इसे ही डाउनलोड करना भूल गए। 364 days later. तो मैंने रात भर इसको लगाने के लिए छोड़ दिया था, अब ये डाउनलोड हो चुका है। अनरियल इंजन का शॉर्टकट हमें मिल चुका है, अनरियल इंजन पे क्लिक करेंगे और अलाउ के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, फिर से अलाउ के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और यहाँ से मुझसे पूछ रहा है कि यार आपका जो GPU है ना वो कारगर नहीं है। वो तो हमको भी पता था लेकिन हम फिर भी करेंगे। और जैसे ही हमारा अनरियल इंजन का डैशबोर्ड खोलेगा तो यहाँ पर बहुत सी फाइल्स होंगी, गेम्स आप बना सकते हैं, वीडियोस आप बना सकते हैं, आर्किटेक्चर की वीडियोस बना सकते हैं, ऑटोमोटिव सेक्टर की वीडियोस बना सकते हैं, सिमुलेशन बना सकते हैं, बहुत कुछ है। लेकिन हम ब्लैंक के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और उस पे क्लिक करने के बाद आपको ऐसा डैशबोर्ड देखने को मिलेगा। सिंपली हम सारी चीज़ों को पहले हटाएंगे, फाइल के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, न्यू लेवल के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और एक एम्प्टी लेवल क्रिएट करेंगे। अब हमारे मेटा ह्यूमन को हमें यहाँ पर इंपोर्ट करना है, तो सिंपली ऊपर जाएंगे, क्विकली ऐड द प्रोजेक्ट पे ऊपर क्लिक करेंगे, क्विकसेल ब्रिज जो प्लगइन था उसके ऊपर क्लिक करेंगे और जैसे ही ओपन होगा अब यहाँ पर इम्पॉर्टेंट चीज चालू होती है, इस ऑप्शन के ऊपर जाना है। अब आपको यहाँ दो ऑप्शंस मिलेंगे, मेटा ह्यूमन प्रीसेट्स और हमारे खुद के मेटा ह्यूमंस। लेकिन अगर आप पहली बार इसे चला रहे हैं तो आपको माय मेटा ह्यूमंस का ऑप्शन देखने को नहीं मिलेगा। अब वो कैसे लाना है, कोई भी मेटा ह्यूमन को आप सिलेक्ट कर लीजिए, मैं ये वाला एडा सिलेक्ट कर लेता हूँ। अब यहाँ पर मुझे डाउनलोड का ऑप्शन दिखाई दे रहा है लेकिन जब आप पहली बार यहाँ पर आएंगे तो आपको साइन इन का ऑप्शन दिखाई देगा, तो सिंपली उसी आईडी से साइन इन करने के बाद आपको यहाँ पर माय मेटा ह्यूमंस का भी ऑप्शन दिखाई देने लगेगा। माय मेटा ह्यूमंस को क्लिक करने के बाद जो हमने दो मेटा ह्यूमंस बनाए थे, ये वाला अभी बनाया था, और उसे डाउनलोड करेंगे और डाउनलोड होने के बाद ऐड के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अब सिंपली इसे क्लोज करो और नीचे आपको कंटेंट ड्रॉअर का ऑप्शन दिखेगा, उसके ऊपर क्लिक करो, मेटा ह्यूमंस का एक फोल्डर दिखेगा उसके ऊपर क्लिक करो। अब यहाँ पर आपको दो फाइल्स मिलेंगी, यहाँ पर बिजी बंदा और कॉमन फाइल होगी, जैसे हमारे केस में बिजी बंदा, उसके ऊपर क्लिक करके आपको एंड में यहाँ पर एक BPO फाइल मिलेगी और यही BPO फाइल हमारा मेटा ह्यूमन है। इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करके अब आपका जो मेटा ह्यूमन होगा वो कुछ ऐसा दिखेगा। अब सिंपली हमें लाइव लिंक ऐप को इसके साथ कनेक्ट करना है और हाँ, लाइव लिंक ऐप ये सिर्फ आईफोन में ही काम करता है, यही एक दिक्कत है। तो जैसा आप देख सकते हैं अभी मेरे फेस पे एक जो मैश बन रहा है वो मेरे फेस को एनालाइज कर रहा है। अब सिंपली हमें सेटिंग्स पे जाना है, सेटिंग्स पे जाके स्ट्रीमिंग लाइव लिंक आईफोन जो ऑप्शन है उसके ऊपर क्लिक करना है। एड टारगेट के अंदर आपको अपना IP एड्रेस डालना है जो हमारे कंप्यूटर पे है। सिंपली आप नीचे जाएंगे सर्च के ऑप्शन पे, CMD टाइप करेंगे और यहाँ पर कमांड प्रॉम्प्ट को ओपन करेंगे। कमांड प्रॉम्प्ट को ओपन करने के बाद IP config ये प्रॉम्प्ट डालेंगे और एंटर कर देंगे,
और आपको यहाँ पर अपना IPv4 एड्रेस मिल जाएगा, और ये कॉन्फिडेंशियल होता है इसलिए मैंने इसे छुपा रखा है। अब इस IPv4 एड्रेस को आप अपने लाइव लिंक ऐप के अंदर IP एड्रेस डालेंगे। याद रखना, ये जो मैश फेस आपको दिखाई दिया ट्रैकर, वो लाइव लिंक मोड के अंदर ही काम करेगा, वो देखते हैं। अब हमें जाना है विंडोज के ऑप्शन के ऊपर और वर्चुअल प्रोडक्शन पे लाइव लिंक को क्लिक करना है, और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर अब आईफोन हमारा ट्रैक होना चालू हो गया, अगर आपने IP एड्रेस सही डाला हो तो सिंपली हमने ये चेक कर लिया कि सब ठीक ठाक हो गया है। अब हमें जाना है एडिट टैब के ऊपर और प्लगइन्स के ऑप्शन पे क्लिक करके आपको लाइव लिंक प्लगइन को जो है वो इनेबल करना है। तो हम देख सकते हैं दोनों लाइव लिंक प्लगइन जो है वो इनेबल्ड है। अब आप साइड में आएंगे तो आपको यहाँ पर जनरल, एक्टर, LOD देखने को मिलेगा, ऑप्शंस देखने को मिलेंगे, लेकिन हमें लाइव लिंक का ऑप्शन चाहिए तो सिंपली सर्च करेंगे और हमें यहाँ पर ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। हमें इसे इनेबल करना है और चेक मार्क कर देना है और अपने आईफोन को सिलेक्ट कर लेना है। अब आपको वापस अपनी लाइव लिंक ऐप के अंदर आना है। अब आप देख सकते हैं कि यार अब ये ट्रैक होने लगा है, चेहरा क्या बात है भाई। और अब हम देख सकते हैं कि हमारा जो है मेटा ह्यूमन लाइव ट्रैक कर रहा है हमारे एक्सप्रेशंस को और फेस रोटेशंस को। अब इसे एनिमेट कैसे करना है वो देख लेते हैं। अब सिंपली इसको रिकॉर्ड करने के लिए हम जाएंगे अपने लेवल सीक्वेंस के ऑप्शन के ऊपर, ऐड लेवल सीक्वेंस पे क्लिक करेंगे। अब हमारे कैरेक्टर के ब्लूप्रिंट को हमें ड्रैग एंड ड्रॉप करना है अपने सीक्वेंसर में, और जैसे ही हम ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे तो बहुत सी एनिमेशन विंडोज खुलेंगे, उसे क्लोज कर देना। अब हमें यहाँ पर सिर्फ फेस की चाहिए तो बाकी सारी बॉडी सब हटा देते हैं हम। इसके बाद टाइमलाइन रेंज बढ़ाओ ताकि कुछ सेकंड्स की वीडियो बन सके, और फेस सेलेक्ट करके प्ले के बटन पे क्लिक करो और लाइव लिंक ऐप से रिकॉर्ड करो। और आज है day 5 जब हम अपना AI इन्फ्लुएंसर बना रहे थे, और यकीन मानो इसी प्रोसेस को करते हुए एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार नहीं, पूरे 5 बार हमारा PC क्रैश हो चुका है। लेकिन अगर आपको फिर भी एक AI इन्फ्लुएंसर बनाना है, अनरियल इंजन का इस्तेमाल नहीं करना, तो उसके कुछ तरीके भी हमने बता रखे अपने इस वाली वीडियो में। लेकिन जब आप अनरियल इंजन से बनाते हैं वो ना केवल आपका एक ब्रांड बिल्डअप करता है, बल्कि और ये आपको फ्लेक्सिबिलिटी भी देता है कि आपका जो इन्फ्लुएंसर है वो अलग अलग चीजें भी कर सके। इसमें तीन सबसे बड़े डिसएडवांटेजेस हमने नोटिस किए। पहला तो आपको सिस्टम रिक्वायरमेंट लगेगी, भले ही सॉफ्टवेयर का इतना खर्चा नहीं हो, आपको टाइम ज्यादा लगाना पड़ रहा हो, लेकिन ये खेल वैसा ही है जैसे रेजर सस्ता मिलेगा लेकिन ब्लेड महंगा मिलेगा। लेकिन अगर आपके पास है और लाइव लिंक ऐप का सपोर्ट भी है तो चीजें थोड़ी बहुत ठीक हो जाती है, वरना आपको फेस भी एनिमेट करना पड़ता खुद मैनुअली। दूसरा डिसएडवांटेज था वो थी नॉलेज। हमने 5 दिन जितने कोशिश कर सकते थे उतना सीखने की कोशिश की कि ये 3D मॉडलिंग कैसे काम करती है, लेकिन अगर आप 3D मॉडलिंग करते हैं तो शायद आपके लिए चीजें और आसान बनेंगी। और तीसरा डिसएडवांटेज ये था कि मैंने इस वीडियो का वादा कर लिया था। अरे ये 2 वीडियो भी देख के जाओ, कौन सा बहुत बिजी हो तुम।